बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूँ करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का एस्ट्रो तक चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। एस्ट्रो तक को आप सब देख सकते हैं तक ऐप से, तो अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर पे जा करके तक ऐप जरूर डाउनलोड करें। साथ ही साथ फेसबुक और यूट्यूब से आप एस्ट्रो तक को देख सकते हैं, तो फेसबुक पे लाइक कमेंट शेयर फॉलो जरूर करें। यूट्यूब पे बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। वहीं पे आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं www.astrotak.com पे लॉग इन करके। यहाँ पर जुड़ करके पूछ सकते हैं प्रश्न कॉल के द्वारा भी, और साथ ही साथ अपना प्रश्न आप हमें लिखकर भी भेज सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे गणेश चतुर्थी पर। आपको इन 10 दिनों में यानी गणेश चतुर्थी से लेकर के अनंत चतुर्दशी तक आपको सुपारी के 5 महा उपाय करने हैं अपनी समस्या से संबंधित। क्योंकि देखा जाए भगवान गणेश जी को सुपारी चढ़ाई जाती है, वहीं पे अगर हम कोई भी पाठ पूजा यज्ञ हवन करते हैं तो इस दौरान भी सुपारी का प्रयोग किया जाता है। सुपारी जो है देवी देवताओं को चढ़ाई जाती है, मगर वहीं पे भगवान गणेश जी को सुपारी और पान जरूर अर्पित किया जाता है। अब इसी सुपारी के हम 5 उपायों की बात करेंगे। जिस भी चीज से संबंधित आपको परेशानी है, उस चीज से संबंधित आप अपने घर में सुपारी के ये खास उपाय इन 10 दिनों में यानी गणेश जन्मोत्सव के जो 10 दिन होंगे, इस 10 दिनों में आप उपाय कर सकते हैं। कौन से वो खास उपाय होंगे जान लेते हैं। तो सबसे पहला उपाय, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में वास्तु दोष उत्पन्न है या फिर घर में नकारात्मक शक्ति बहुत जल्दी प्रवेश कर जाती है, तो इसके लिए आपको क्या करना है। इसके लिए आपको भगवान श्री गणेश जी को कपूर और सुपारी अर्पित करने हैं। इसके बाद ये जो सुपारी और कपूर है, एक लाल रंग के वस्त्र में बांध करके पोटली बना करके अपने घर के मुख्य द्वार पे टांग दें। ऐसा करने से शीघ्र ही आपके घर में जो वास्तु दोष होगा वो तो दूर होगा ही होगा, और साथ साथ अगर घर में नकारात्मकता है वो भी समाप्त होगी। वहीं पे अगर हम बात करें दूसरे उपाय की, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबा समय हो गया है आपकी नौकरी नहीं लग रही है या फिर कार्य क्षेत्र में आपको प्रगति नहीं मिल रही है यानी प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो इसके लिए आपको क्या करना है। इसके लिए गणेश चतुर्थी के बीच जो भी शनिवार पड़ेगा, एक ही शनिवार पड़ेगा गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक, तो शनिवार के दिन जो है आपको करना क्या है, आपको शनिवार के दिन संध्या काल में पीपल के वृक्ष के नीचे एक देसी घी का दीपक जलाना है। देसी घी का दीपक जलाना है और साथ साथ एक पान के पत्ते पर स्वास्तिक का चिन्ह बना करके इस पे एक सुपारी और 1 रुपए का सिक्का आपको पीपल के वृक्ष पे रखना है यानी चढ़ाना है। इसके बाद आप ओम गण गणपते नमः मंत्र का 108 बार जप करके उपासना करें भगवान श्री गणेश जी से कि आपके कार्य क्षेत्र में जल्द से जल्द प्रगति उत्पन्न हो जाए। और इसके बाद अगले ही दिन यानी रविवार के दिन आपको वहां से एक पीपल का पत्ता लेकर के आना है, उसी पेड़ से लेकर के आए जिस पेड़ पे आपने देसी घी का दीपक जलाया था। इस पत्ते को लेकर के आए और अपने कार्य क्षेत्र पे रख दें। अगर नौकरी नहीं कर रहे हैं तो अपने बटुए में रख लें। ऐसा करने से शीघ्र ही आपको प्रमोशन भी मिल जाएगी, अगर नौकरी नहीं है तो नौकरी मिलने की संभावना भी बढ़ जाएगी। बात करेंगे तीसरे उपाय की, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में बहुत सारे विघ्न आ रहे हैं, कहीं ना कहीं हर मोड़ पे आपको परेशानी आ रही है, तो इसके लिए आपको क्या करना है। इसके लिए भगवान श्री गणेश जी को 5 सुपारी अर्पित करनी है एक पान के साथ, और भगवान श्री गणेश जी से मनोकामना करनी है कि आपके जीवन के सभी विघ्न समाप्त हो जाएं। बात करेंगे चौथे महा उपाय की। चौथे महा उपाय की अगर हम बात करें तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका विवाह नहीं हो रहा है, तो इसके लिए भगवान श्री गणेश जी को 11 सुपारी अर्पित करें और साथ ही साथ 11 पुष्प जो है गुलाब के वो अर्पित करें। वहीं पे भगवान श्री गणेश जी को 11 केले भी अर्पित करें। हर जो चीज आप अर्पित करेंगे वो 11 करें, यानी 11 सुपारी, 11 गुलाब के पुष्प, 11 केले और इसके साथ साथ 11 पान। ऐसा करने से शीघ्र ही आपका विवाह हो जाएगा। जो पान आप अर्पित करेंगे उसमें से एक पान अपने साथ ले आए और उसको ग्रहण कर ले। ये उपाय आपको गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक के जो दिन रहेंगे यानी गणेश जन्मोत्सव के जो दिन रहेंगे उसमें शुक्रवार जो पड़ेगा उस दिन करना है। वहीं पे अंतिम उपाय की अगर हम बात करें, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वैभव लक्ष्मी आपसे रूठ रही है और कहीं ना कहीं रिद्धि सिद्धि आपको नहीं प्राप्त हो रही है, तो भगवान श्री गणेश जी ही आपके
सभी तरह के विघ्न काट सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए माता लक्ष्मी को आप 5 सुपारी अर्पित करें, भगवान श्री गणेश जी को 5 सुपारी अर्पित करें। अब लक्ष्मी गणेश जी की पूजा तो साथ साथ होती ही होती है दीपावली पर, मगर आप गणेश जन्मोत्सव के इस दौरान भी माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की पूजा आराधना कर सकते हैं अगर आपको धन से संबंधित परेशानी आ रही है। तो माता लक्ष्मी भगवान गणेश जी को 5-5 सुपारी अर्पित करें, 1 पान अर्पित करें, और साथ साथ माता लक्ष्मी को 1 गुलाब, 1 लोटस यानी कमल का जो पुष्प है वो अर्पित करें। भगवान श्री गणेश जी को लाल या फिर पीले पुष्प अर्पित करें, संभव हो तो गेंदे के पुष्प की माला अर्पित करें। और साथ ही साथ जो ये आप सुपारी अर्पित करेंगे, इसमें से 1-1 सुपारी यानी 1 भगवान श्री गणेश जी की और 1 माता लक्ष्मी जी की, 2 सुपारी आप ले आए और इसको लाल रंग के कपड़े में लपेट करके 1 पान के पत्ते के साथ स्वास्थ्य का चिन्ह बना करके अपनी तिजोरी के स्थान पर रखें। ऐसा करने से शीघ्र ही आपकी आर्थिक स्थिति में लाभ हो जाएगा। तो और भी ऐसे विषय लेकर के आऊंगी मैं केवल एस्ट्रो तक पे, देखते रहिए एस्ट्रो तक। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, मुझसे जुड़ने के लिए www.astrotak.com पे लॉग ऑन जरूर करें। नमस्कार, जय श्री राधे।